So hey everyone, welcome and welcome back on my YouTube channel. So guys, in this today's video we are going to make this beautiful painting with some tips and techniques. So let's get started. Before starting, if you are new on my channel, then subscribe and welcome on my channel. So guys, first of all मैंने यहाँ पर लिया है डार्क ब्लू कलर और जिसे कि मैं काफ़ी अच्छे से जैसे अप्लाई कर रही हूँ, आपको भी कुछ ऐसे अप्लाई करना है। आफ्टर अप्लाइंग ब्लू कलर मैंने यहाँ पर लिया है ब्लैक कलर और जैसे कि मैं उसके किनारे पर अप्लाई कर रही हूँ जिधर स्पेस खाली है और मैं दोनों साइड पर इस ब्लैक कलर को अप्लाई करूँगी। आपको भी ये स्टेप फॉलो करना है। Now I have taken the dark blue color from poster color. तो मैंने यहाँ पर poster color का use किया है जिसमें से मैंने dark blue color का use किया है for water, नीचे के पानी के लिए। तो अभी हम dark blue color को अच्छे से apply कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद मैं थोड़ा वाइट कलर लिया है और उसको उस ब्लू कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको भी कुछ ऐसे ही ब्लेंड करना है उसके साथ। और उसके बाद थोड़ा मतलब अच्छा लुक आएगा, थोड़ा वाटर जैसा लुक आएगा। इसलिए तो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, आपके ब्रश में मॉइस्चर होना चाहिए जिससे कि आपके कलर काफ़ी अच्छे से अप्लाई होंगे। तो आप अपने ब्रश में मॉइस्चर ज़रूर रखें, ज़्यादा गीला ना करें। ब्रश को गीला करने के बाद एक कपड़े में, रफ कपड़े में पोंछ ले जिससे कि इससे ब्रश में मॉइस्चर रहेगा और ब्रश ज़्यादा गीला भी नहीं रहेगा। और अगर आपके पास रफ कपड़ा नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब आपको वाटरफॉल थोड़ा कुछ इस तरीके का बनाना है। इधर मैंने वाइट कलर लिया है। और अब हमें एक बार फिर से वाइट कलर लेना है कुछ इस तरीके के बड़े बड़े स्टोन्स बनाने के लिए। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने लिया है डार्क ब्राउन कलर और जो कि पोस्टर कलर का है। और गाइस, अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस, ऐसी पेंटिंग्स की वीडियोस काफ़ी सारी अपलोड है मेरे चैनल पे, यू कैन चेक इट विथ सम ट्रिक्स एंड टिप्स एंड टेक्निक्स। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। Send her my heart covered as a gift, and hope that she'll take it into her sight. तो हमें अभी दोनों साइड पर वही ब्राउन कलर अप्लाई करना है। एक्रिलिक कलर का रेड कलर लेना है और कुछ ऐसे डैब डैब करना है अपने पेंट ब्रश से। एंड अब मैंने लिया है येलो कलर, लेमन येलो। ये भी मैंने एक्रेलिक का लिया है और फेवी क्राफ्ट कंपनी है एक्रेलिक की, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा कलर है और चीप भी है। और इसके बाद मैं जो कलर लूँगी वो होगा लाइट ग्रीन।
तो अभी गाइज हमें इसमें क्या करना है कि वाटर के अंदर भी तो उसका इफेक्ट दिखाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा रेड कलर लेकर के और थोड़ा लेमन येलो लेकर के और थोड़ा ग्रीन लेकर के कुछ इस तरीके से इफेक्ट बना देंगे। एंड गाइस फिर हम लेंगे थोड़ा सा वाइट कलर और पानी के अंदर थोड़ा ऐसा भी इफेक्ट डालेंगे और उसके बाद हमारा पेंटिंग हो जाएगा कम्प्लीटली। हमारा आर्ट रेडी है, लग रहा है ना एकदम प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नहीं आया तो आप अनलाइक भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि क्या चीज़ पसंद नहीं आई। बाय ऑल।